हेलो गाइस, वेलकम टू एस्पायरेंट हब। लेट्स स्टार्ट दिस वे टू लर्न। इस वीडियो में हम जनरल साइंस का नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जो कि रिलेटेड है सम इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट एंड डिजीजेस। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई डिजीज होता है तो उसका कौन सा टेस्ट होगा जो हमें पता चलेगा कि वो डिजीज हमें हो चुका है। तो इसी वीडियो में हम वही कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर हमें कार्सिनोजेनेसिटी डिजीज हो जाए तो उसका पता कैसे कर सकते हैं हम एमएस टेस्ट करवा के। एमएस टेस्ट करवाएंगे तो हमें कार्सिनोजेनेसिटी डिजीज का पता चलेगा कि हमें डिजीज है कि नहीं है। डिक टेस्ट करवाते हैं हम स्कारलेट फीवर के लिए। मोंटियक्स टेस्ट करवाते हैं हम ट्यूबरकुलोसिस डिजीज के लिए। रोज वेलर टेस्ट करवाते हैं हम रूमेटॉइड फीवर के लिए। वासरमैन टेस्ट करवाते हैं सिफिलिस के लिए। विडाल टेस्ट करवाते हैं टाइफाइड के लिए। वेसन स्टेन टेस्ट करवाते हैं प्लेग के लिए। टानिक्यूट टेस्ट करवाते हैं डेंगू फीवर के लिए। और एलिजा टेस्ट करवाते हैं एड्स के लिए। तो यही थी वीडियो रिलेटेड टू सम इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट एंड डिजीजेस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप चाहते हैं कि इसमें मैं कोई मॉडिफिकेशन करूँ या इसके रिलेटेड कोई और वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आपको यहाँ से आसानी से समझा पाऊँ, तो आप मुझे इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें एस्पायरेंट हब।